अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब आज है 21 फरवरी 2024 और आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग से रिलेटेड, और नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट है जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। क्योंकि जब भी कुछ चेंजेस होती है नेशनल सेविंग की में या प्रॉफिट में या किसी भी टाइप की कोई भी अपडेट होती है, तो लोग सबसे पहले जो सवाल करते हैं वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड करते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इश्यूज आते हैं, अब कैसे होगा, ये क्या होगा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। अच्छा, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज 21 फरवरी 2024 है और आज की डेट में जो है वो नेशनल सेविंग ने अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली कर दी, एक बार फिर तब्दीली कर दी। ठीक है, अच्छा वैसे नॉर्मली होता ये है कि जब भी इलेक्शन होता है, तो एक पिछली वीडियो मैंने भी इस चीज़ को बयान किया था कि जब भी कोई इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आती है, तो पूरी हिस्ट्री उठा के देखनी, नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट प्रॉफिट रेट में इजाफा होता है। क्योंकि जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो उसको पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको इंटरनली कर्जे की भी ज़रूरत होती है और एक्सटर्नली कर्जों की भी ज़रूरत होती है। एक्सटर्नली कर्जे वो IMF से ले लेता है और इंटरनली कर्जे के लिए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, ये नेशनल सेविंग कोई भी स्कीम हो गई, उससे वो इंटरनली कर्जे लेते हैं, ठीक है, अंदरूनी कर्जे जिसे कहते हैं। ठीक है, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनल सेविंग की किसी भी प्रोडक्ट में, उसमें जो भी पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट अपने आप यूज कर रहा होता है और उसके अगेंस्ट कस्टमर को फायदा दे रहा होता है, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन लोग सवाल आते ही कर रहे थे कि कब बढ़ेगा, तो मैं उनको बार बार पिछली वीडियो मैंने भी यही कहा था कि भाई अभी नई गवर्नमेंट आई नहीं है, अभी भी 3-4-5 महीना है नई गवर्नमेंट में आने में। ठीक है, अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट ही चल रही है और अभी भी मेरे ख्याल से 2-3 महीना ये और चलेगी, और फिर जब नई गवर्नमेंट आएगी उसके भी 15-20 दिन 1-2 महीने बाद जो है वो नेशनल सेविंग की प्रॉफिट रेट इंक्रीज होना शुरू होगा, इससे पहले तो चांसेस नहीं। ये सारी बातें पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुके। आज हुआ कुछ ऐसा कि नेशनल सेविंग का क्या सर्कुलर इशू हुआ आज की डेट में, और ये आज से इम्प्लीमेंट हो गया। मतलब ये कि अगर आज आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या नेशनल सेविंग की कोई भी प्रोडक्ट ली हो तो आज से इम्प्लीमेंट हो चुका है, आपका प्रॉफिट रेट जो आज के डेट में वो आज की वो उस डेट के हिसाब से लगेगा। मतलब आप कल तक जो प्रॉफिट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो कल तक के हिसाब से लगेगा, आज से फ्रेश होगा। फ्रेश से मुराद है आज से जो नया रेट आ गया वो एप्लीकेबल होगा। अच्छा, कुछ स्कीमों का प्रॉफिट रेट सेम रहा है, कुछ का थोड़ा डाउन हो गया। ठीक है, जिनका सेम हुआ है वो तो समझ ले वो प्रोडक्ट है जिसको गोल्डन प्रोडक्ट कहें वो कहें, कुछ का जो कम हो गया उस पर लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा, बहुत ही बुरा फील हो रहा है, क्योंकि ये जो स्कीम आप लोग स्क्रीन पे देख रही, इसका प्रॉफिट रेट कम नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नेशनल सेविंग ने इसका भी इस स्कीम का भी प्रॉफिट रेट कम कर दिया। ठीक है, और अब सवाल था हमारे पास ये आ रहा है कि जनाब मैंने बुकिंग करवाया था 1340 रुपये के हिसाब से, उसका क्या होगा? मैंने बुकिंग करवाया था 1360 रुपये के हिसाब से, उसका क्या होगा? और हमने बुकिंग करवाया था 1380 के हिसाब से, उसका क्या होगा? ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट रेट जो गया, देखिए जिन लोगों ने 1380 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था उनको जब तक उनकी फैसिलिटी मैच्योर नहीं हो जाती, मतलब पूरे 10 साल तक, ठीक है, उनको 1380 रुपये के हिसाब से ही प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद महीना दो महीने बाद हुआ ये कि प्रॉफिट रेट कम होकर 1360 रुपये हो गया। ठीक है, तो जिन लोगों ने 1360 रुपये बुक करवाया उनको 1360 रुपये के हिसाब से टिल मैच्योरिटी तक प्रॉफिट मिलेगा, और उससे पहले जिन्होंने 1380 रुपये बुक करवाया था उनको 1380 के हिसाब से ही मिलेगा, उनका काम नहीं होगा। ठीक है, नई जो बुकिंग आई उसके बाद जब प्रॉफिट रेट चेंज हो गया 1360 हो गया, तो 1360 रुपये के हिसाब से अब मिलता रहेगा नए वालों को, पुराने वालों को तो 1380 के हिसाब से मिलेगा। कुछ अर्से बाद जो है वो फिर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट रिवाइज हो गया और 20 रुपये और कम हो गया। अब जो प्रॉफिट रेट लास्ट हो गया था वो हो गया था 1340 रुपये। फिर लोगों के सवाल आने शुरू हो गए हमारे पास कि भाई
हमने जो है वो 1340 रुपए के हिसाब से बुक करवाया, हमें क्या मिलेगा। तो देखिए इन शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं, जिसने 1380 रुपए के हिसाब से बुक करवाया था आज से 2 4 5 6 महीना पहले, उसको 1380 रुपए के हिसाब से मिलेगा। कुछ ऐसे बात, जिन लोगों ने 1360 रुपए के हिसाब से बुक करवाया था उनको 1360 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा अगले 10 साल तक। जिन लोगों ने 1340 रुपए के हिसाब से बुक करवाया था बैंबू सेविंग सर्टिफिकेट, उनको 1340 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आज है 21 फरवरी 2024, आज जो सर्कुलर इशू हुआ है, आज ये हुआ है कि बैंबू सेविंग का प्रॉफिट रेट 1340 से कम होकर 1280 रुपए पे आ गया। ठीक है, 1340 से कम होकर 1280 रुपए आ गया 1 लाख पे, मतलब 1 महीने में 1,60,000 रुपए प्रॉफिट कम हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल शीट मौजूद है, ये था पहले, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। पहले कुछ ये था 1340 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा था। ठीक है, अब जनाब ये कम होके क्या हो गया है, 1300 1200, ये हो गया जनाब 1280 रुपए के हिसाब से। ठीक है, मतलब ये है कि 1 लाख पे 1 महीने में 60 रुपए का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट रेट बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है ये देखते हुए कि बहबूद का प्रॉफिट रेट वन सेकेंड कम हो गया, जिसके बढ़ कम होने की कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन कम हो सकते थे। क्योंकि मैं बार बार पिछले वीडियो में भी रिपीट किया कि भाई हमेशा नेशनल सेविंग का प्रॉफिट रेट इंक्रीज होता है जब नई गवर्नमेंट आती है। तो भाई अभी आने तो नई गवर्नमेंट को, आप लोग तो ऑलरेडी शोर मचा रहे थे कि इलेक्शन हो गया, नई गवर्नमेंट आ जाएगी और बहबूद का प्रॉफिट रेट और नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट बढ़ जाएगा। मैं बार बार आप लोग से ये कह रहा था भाई नई गवर्नमेंट को आने तो दो, उनको सीट पे बैठने तो दो, उसके भी 15 20 दिन 1 महीने बाद जो है वो नेशनल सेविंग का सर्कुलर इशू होता है जिसमें प्रॉफिट रेट बढ़ता है। अभी तो नई गवर्नमेंट आई नहीं, अभी तो दुआ करो कि कम ना हो, और जिस बात का डर था ऐसे ही कुछ हुआ। और नेशनल सेविंग की जो सबसे कामयाब तरीन स्कीम जिसके बारे में हर कोई पूछ रहा होता है, उसका प्रॉफिट रेट ना सिर्फ गिरा बल्कि बहुत ही बुरा गिरा। ठीक है, 1340 से 1280 बहुत ज्यादा होता है जनाब। तो ये अब करंट तो यही हो चुका, मतलब आज से जिन लोगों ने बैंबू सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किया है उनको 1280 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों के साथ हुआ ये है कि जनाब नेशनल सेविंग में चूंकि सर्कुलर नहीं पहुंचा था, तो उनको जो सर्टिफिकेट मिला आज, जो उन्होंने कैश की सुरु में सर्टिफिकेट लिया है, उनको जो है वो मिला है, सर्टिफिकेट के ऊपर मिला है कि 1340 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, उनकी नॉलेज में नहीं था या उनको सर्कुलर नहीं मिला, कुछ भी हो, अब कंप्यूटराइज दौर है। ठीक है, सिस्टम में ये फिट हो चुका है नेशनल सेविंग में कि जनाब जो भी सर्टिफिकेट बुक होगा बहबू सेविंग सर्टिफिकेट का या कोई भी स्कीम हो, उसमें आज से जो रेट लग गया है उसी का प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको 1 महीने बाद अगर आज आपने बुक करवाया या कल बुक करवाएंगे, आपको प्रॉफिट 1340 रुपए के हिसाब से नहीं मिलेगा, 1280 रुपए के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, एक दो चीजों इसमें मैं और ऐड कर दूं, फिर वीडियो खत्म करेंगे जनाब। ये 1280 का प्रॉफिट हो गया है बहबू सेविंग सर्टिफिकेट का। ठीक है, इसका रेट है 15.36%। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं बहबू सेविंग सर्टिफिकेट में, तो जनाब बहबू सेविंग सर्टिफिकेट में मैक्सिमम जो है 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, बहबू सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट मंथली मिलता है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो हर महीने आपको अब 1280 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पे। ठीक है, 2 लाख में मिलेगा 2560 रुपए, 3 लाख में मिलेगा 3840 रुपए, 4 लाख में मिलेगा 5120, 5 लाख में मिलेगा जनाब 6400, 6 लाख पे मिलेगा जनाब 7680 रुपए, 8 लाख रुपए पे मिलेगा जनाब 10240 रुपए। ठीक है, 7 लाख रह गया मेरे, 7 लाख में मिलेगा 8960 रुपए, 8 लाख में मिलेगा 10240 रुपए, 9 लाख में मिलेगा 11520 और 10 लाख में मिलेगा जनाब 12800। ठीक है, क्विकली देख लेते हैं 20 लाख में क्या बनती है जनाब अमाउंट। 20 लाख में आपको जो प्रॉफिट मिलेगा बहबू सेविंग सर्टिफिकेट हर महीने 25600। 50 लाख पे चलते हैं, 50 लाख में क्या मिलेगा जनाब, अगर आप 50 लाख रुपये बहबू सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जनाब, तो आपको 50 लाख पे हर महीने 64,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। 75 लाख पे भी देख लेते हैं जनाब, और 75 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं बहबू सेविंग सर्टिफिकेट में, तो हर महीने आपको 96,000 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा जनाब। तो जो पहले का रेट था, अगर मैं इस यहाँ पे देखूँ तो 1340 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 75 से, तो जनाब पहले
आपका 75 लाख में बहबू सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट बनता था। 75 लाख रुपए अगर बहबू सेविंग सर्टिफिकेट में आपने इन्वेस्ट किया है तो 75 लाख में प्रॉफिट बनता था आपका 1,05,000 रुपए, ठीक है। अब बनेगा जवाब जनाब 96,000 रुपए। तो इसको अगर मैं डिफरेंस निकाल के देखूँ कि टोटल अमाउंट में कितना लॉस हुआ है, तो 4,500 रुपये का लॉस हो रहा है 1 महीने, ठीक है। और साथ ही साथ इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करके भी दिखा दूँ आप लोगों को, साल में 54,000 रुपये का लॉस होगा आप मुझे और आपको, या उन लोगों को जिन्होंने 75 लाख रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। तो जनाब एक साल में 54,000 यानी 54,000 रुपए का लॉस होगा। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है जनाब जिन लोगों ने भी ये किया, कुछ अच्छा नहीं किया बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के साथ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा महंगाई है और लोग वेट कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ, मतलब गवर्नमेंट को कुछ फेवर देगा। गवर्नमेंट किस तरह फेवर दे सकता है फाइनेंशियली, तो दो तीन तरीके हैं। मतलब ये कि एक तो महंगाई कम करके, मकसद आटा दाल चीनी इनका रेट कम हो जाए तो जनाब फिर हम इसको कह सकते हैं कि जनाब आवाम को फेवर मिला है, पेट्रोल का रेट कम हो जाए तो फेवर मिला है, या दूसरी सूरत में जो है वो नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट बढ़ जाए तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इनको गवर्नमेंट ने हमें फ़ायदा दिया। बहरहाल जो होना था वो हो चुका है। अब जो आज से जिन लोगों ने बुक करवाया है या कल करवाएंगे, आज भी मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत से लोगों को जो है वो बहबू सेविंग सर्टिफिकेट का की स्टैम्प लग के मिली आज की डेट में, और उस पर लिखा हुआ कि 1,340 रुपये के हिसाब से इनको प्रॉफिट मिलेगा, किसी खुश फहमी में नहीं रहेगा। आज से इम्प्लीमेंट हो चुका है, आज से आपने जो सर्टिफिकेट लिया है बेबू सेविंग सर्टिफिकेट, आपको 1,280 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। 1,280 फाइनल है जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से ही है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।